नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं आपके साथ दीपेंद्र कुमार। चलिए रुक करते हैं आज दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में 3,700 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अब स्टूडेंट 6 जून तक शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से स्टूडेंट का सिलेक्शन कर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। जयपुर में 11 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। जयपुर में अक्षत और अंकुर ग्रुप पर सुबह 8 बजे से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम ने सुबह ग्रुप के 11 ठिकानों पर रेड की। इसके साथ ही दस्तावेज और अन्य सामान भी जब्त किए। समूह की बगरू, बिंदायका, कानोता स्थित फैक्ट्रियों में आयकर की टीमें सर्च कर रही है। साथ ही बनी पार्क और बापूनगर स्थित घर पर भी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम रही वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमला बेनीवाल आज पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरुवार को लालकोट स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लालचंद कटारिया सहित कई जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कमला बेनीवाल के बेटे आलोक बेनीवाल कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन लंबे वक्त तक राजस्थान कांग्रेस की सियासत का बड़ा चेहरा रही कमला बेनीवाल को कांग्रेस के झंडे में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई। जयपुर में 20 सेकंड में बाइक चोरी का मामला सामने आया है। पहले नकाबपोश बदमाश ने अंधेरे में खड़े होकर रेकी की और फिर मास्टर चाबी पर पत्थर मारकर बाइक का ताला तोड़ा। इसके बाद लड़का स्टार्ट कर ले गया। कंपनी की पार्किंग में लगे सीसीटीवी फुटेज में बाइक चोरी की करतूत कैद हो गई। शिवदासपुरा थाना पुलिस फुटेज के आधार पर चोरी की तलाश कर रही है। विद्याधर नगर थाने में फायरिंग और रंगदारी मामले का आरोपी 1,25,000 रुपए का इनामी 50 सीटर लंबे समय से फरार चल रहा है राकेश कुमार यादव असम के डिब्रूगढ़ से पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी को पुलिस जयपुर ला रही थी, इस दौरान एसआई की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 50 सीटर के पैर में गोली लगी, उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान में आज से अगले 4 से 5 दिन भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 5 जिलों में अगले 3 से 4 दिन हीटवेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य में कुछ दिन का पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। 21 मई तक तेज गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं जताई जा रही। राजस्थान के जालौर जिले में चारागाह की जमीन पर बने पक्के मकान को तोड़ने की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को प्रशासन बुलडोजर लेकर 150 से अधिक पक्के मकान और 160 से अधिक कच्चे मकान को हटाने पहुंचे। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई पर ओडाओडा गांव में लोगों ने जमकर विरोध किया। राजस्थान में फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में आखिरकार 45 दिन बाद विभाग की जांच रिपोर्ट सामने आ गई। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। राज्य स्तरीय कमेटी ने जांच पूरी होते ही अपनी रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार ने एसएमएस के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी को निलंबित कर दिया, जबकि डॉक्टर राजीव बगरहडा और डॉक्टर अचल शर्मा को 16 दिन का सीसीए नोटिस जारी किया है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित किशोर संप्रेक्षण गृह से 4 बाल अपचारी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चारों बाल अपचारियों ने सुरक्षाकर्मी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर फरार होने में कामयाब हो गए। किशोर सुधार गृह के निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि बाल अपचारियों ने सुरक्षाकर्मी से पानी पीने के लिए कहा था, जिसके बाद पानी पिलाने के लिए जैसे ही गेट खोला गया तो बाल अपचारियों ने सुरक्षाकर्मी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और मौके से फरार हो गए। टोंक स्थानीय मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र से बीती देर रात एक अविवाहित युवती ने एक बालक को जन्म देने के चंद घंटे बाद ही नवजात को बेड पर अकेला छोड़कर परिजनों के साथ अस्पताल प्रबंधन को बिना बताए लापता हो गई। सवेरे जनाना वार्ड में शिशु को बेड पर रोता देखकर नर्सिंग स्टाफ ने उनकी मां को इधर उधर तलाश किया तो नहीं मिली। आज खबर दिनभर में इतना ही। कल फिर बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।